हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गुजराती चेस चैनल में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं सिसिलियन डिफेंस। सिसिलियन डिफेंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है ब्लैक की ओर से, और सिसिलियन डिफेंस के सारे वेरिएशन, हालांकि खास करके मैं नेसडॉर्फ वेरिएशन के ऊपर ज़्यादा बार रखता हूँ, और आपको वही ज़्यादा सीखना चाहिए, क्योंकि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन सिसिलियन में नेसडॉर्फ वेरिएशन है। उसके बहुत सारे वेरिएशन हैं, तो सारे वेरिएशन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वन बाय वन आपको सारे वीडियो में देता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको नेसडॉर्फ में गैरी कास्पारो की एक गेम दिखाई थी, बहुत ही ब्रिलियंट गेम थी, सेक्रीफाइसेस वाली गेम थी। और नेसडॉर्फ वेरिएशन खेलने का यही मजा है दोस्तों, कि कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस आते हैं, उसके ऊपर डीपली आपको सोचना होता है। जब कोई पोजिशनल प्ले आता है, तब आपको खास करके रुक जाना है कि यहाँ कहीं सेक्रीफाइस आ सकता है या नहीं। तो दोस्तों, उसका स्ट्रक्चर, पॉन स्ट्रक्चर मैंने बताया था, आज मैं रिपीट नहीं करूँगा। आज हम चैप्टर वन से स्टार्ट करेंगे, द नेसडॉर्फ वेरिएशन। आप बुक में लिख सकते हो चैप्टर वन, द इंग्लिश अटैक, और इंग्लिश अटैक में सिक्स मूव बिशप e3। जब व्हाइट सिक्स मूव बिशप e3 करता है, तो उसे कहते हैं इंग्लिश अटैक। इंग्लिश अटैक का पर्पस क्या है? बहुत ही पॉपुलर और अग्रेसिव लाइन है व्हाइट की ओर से। मेन आइडिया है इंग्लिश अटैक का कि सिंपली लॉन्ग कैसल करके g4 g5 h4 h5 करके हमारे किंग साइड अटैक का प्लानिंग है। हालांकि अटैक बहुत ही स्लो रहता है, दोनों की ओर से बहुत ही स्लो रहता है, और इस अटैक में हमें ब्लैक से खेलने में भी बहुत ही मजा आता है। अगर आप कोई भी मूव मिस नहीं करते और बैक टू बैक परफेक्ट रिप्लाई देते हो, तो ब्लैक का भी अपर हैंड रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश अटैक। इसमें हम दो वेरिएशन देखेंगे, बिशप e3 के बाद सेवन मूव में नाइट f3 और नाइट d2, दो वेरिएशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। e4 c5 नाइट f3 d6 थर्ड मूव d4, ब्लैक टेक्स द पॉन, नाइट टेक्स पॉन, दिस इज फोर्थ मूव, ब्लैक नाइट f6 फोर्थ मूव, फिफ्थ मूव व्हाइट Nf3, और ब्लैक की ओर से आपको a6 करना है। अब यहाँ 5 मूव होने के बाद नेसडॉर्फ में क्या क्या होता है, सब मूव अलग अलग, और हर वाइट के 6th मूव के रिप्लाई के बाद गेम पूरी चेंज होती है। खास ध्यान रखो, बिशप d3, f3, बिशप e3, नाइट f3, सभी वेरिएशन में अलग अलग मूव है, अलग अलग ब्लैक के रिप्लाई है, जो खास करके आपको याद रखने हैं। आज हम देख रहे हैं इंग्लिश अटैक व्हाइट की ओर से। इंग्लिश अटैक कैसे होता है? व्हाइट बिशप e3 खेलता है, तब इंग्लिश अटैक होता है, वो भी 6th मूव में। याद रखो, 6th मूव व्हाइट बिशप e3, यहां पे आपको रिप्लाई देना है e5, बिशप e3 के बाद e5, ये आपका ब्लैक की ओर से परफेक्ट रिप्लाई है। और मैंने यही पॉन स्ट्रक्चर शायद आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ना है तो देख लीजिए, जिसने वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको इसका पूरा पॉन स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। e5 के बाद हम दो वेरिएशन देखेंगे, नाइट f3 और दूसरा है nde2, नाइट d2 और नाइट e2। तो पहले नाइट f3 के बारे में क्या है, नाइट f3 में आपको खेलना है बिशप e7, उसके बाद व्हाइट खेलेगा बिशप c4, यहां पे आपको कैसल करना है, और व्हाइट भी कैसल करेगा बिशप e6, यहां आपको रिप्लाई देना है बिशप e6। व्हाइट खेलेगा बिशप b3, बिशप टेक्स बिशप हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि सेंट्रलाइज f1 हो जाता है। उसके बाद d4, अगर वो बिशप टेक्स करता है तो बिशप टेक्स बिशप में एफ टेक्स बिशप देन d5 इज इजी, आपके लिए बहुत ही इजी गेम हो जाएगी। तो कोई भी वाइट प्लेयर बिशप टेक बिशप नहीं करता है, अगर करता है तो आपको समझ लेना आपकी पोजीशन प्लस हो रही है। तो यहाँ पे वाइट का रिप्लाई होगा बिशप b3, और 10th मूव के बाद 11th मूव में Nfd7 क्वेश्चन मार्क है, हम नहीं कर सकते। 11th मूव में 10th मूव में आपको करना है क्वीन c7,
नाइट एच फोर, नाइट एच फोर के बाद जी सिक्स। अब दोस्तों खास करके ध्यान रखो, जब भी नाइट एच फोर आता है नाइट एफ फाइव अलाउ नहीं करना है, वरना आपकी गेम के ऊपर पूरा प्रेशर आ जाएगा व्हाइट का। तो जी सिक्स ये डिफेंसिव मूव है, बिशप एच सिक्स होने वाला है, कोई बात नहीं। यहां हमें खेलना है आर ई एट, क्वीन डी टू, और उसके बाद थर्टींथ मूव, यहां पे बेस्ट ऑप्शन नाइट जी फोर, ये सबसे बेस्ट मूव है नाइट जी फोर। आप वीडियो पुश करके इस मूव के बारे में सोच सकते हो कि ब्लैक का नाइट जी फोर रिप्लाई क्यों अच्छा है, क्योंकि नाइट बिशप पे अटैक करता है और बिशप नाइट पे अटैक करता है। व्हाइट रिप्लाई देगा नाइट एफ थ्री, यहां आप नाइट डी सेवन, आर ए डी वन, आर ए सी एट। सिसिलियन की मेन जो बात है वो मैं आपको बताना भूल गया कि क्वीन साइड जो सी फाइल है वो आपको हाफ ओपन फाइल मिलती है, तो ज़्यादातर क्वीन और रुक का प्रेशर आपको यहीं रखना है और सी फाइल पे ही आपको ज़्यादातर खेलना है। अब ये पोजीशन मून आई थिंक आर ए सी एट फिफ्टींथ मूव है, फिफ्टीन मूव के बाद अलग अलग मूव्स के रिप्लाई देने हैं। इसके बाद का एक मैं आपको गेम बताता हूँ। 15 मूव के बाद एक गेम में व्हाइट ने खेला था बिशप जी फाइव। पूरी गेम लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ 15 मूव लिख देने हैं और वहां पे आपकी ओपनिंग खत्म हो गई। उसके बाद अलग अलग रिप्लाई आते हैं, उसके हिसाब से गेम खेलना है। बिशप जी फाइव व्हाइट ने खेला था 16 मूव, और ब्लैक ने रिप्लाई दिया था एन जी एफ सिक्स, नाइट को वापस ले लिया, और व्हाइट ने रिप्लाई दिया था नाइट ई वन, आइडिया नाइट डी थ्री या फिर एफ फोर और एफ फाइव का अटैक का प्लानिंग। तो यहाँ पे एनी वन के सामने ब्लैक ने रिप्लाई दिया था बी फाइव, आइडिया बिहाइंड दिस मूव बी फोर देन नाइट टेक्स ई फोर। तो बी फाइव के सामने नाइट डी थ्री, व्हाइट ने स्टॉप किया बी फोर को नाइट डी थ्री से और नाइट का मैनोवरिंग किया। यहाँ पे व्हाइट ने, ब्लैक ने रिप्लाई दिया था बिशप सी फोर, ये भी एक ब्रिलियंट मूव है। व्हाइट ने पॉन ब्रेक करने के लिए ए फोर खेला, गेम में आगे ब्लैक ने क्वीन बी सेवन और इस पॉन पे प्रेशर बढ़ाया। देखो सारे पॉन बिशप सब कुछ कनेक्टेड है व्हाइट के इस पोजिशन में, आपको ही गेम ऐसे ही खेलनी है, कोई भी पीस या पॉन अनसपोर्टेड नहीं रहना चाहिए। क्वीन बी सेवन, व्हाइट ने रिप्लाई दिया एट एक्स बी फाइव, ब्लैक ने रिप्लाई दिया एट एक्स बी फाइव। उसके बाद बिशप क्रॉस एफ सिक्स, व्हाइट ने सोचा एक नाइट हटाना चाहिए, और यहाँ पे ब्लैक ने फिर से रिप्लाई दिया नाइट क्रॉस एफ सिक्स ताकि ई फोर के ऊपर प्रेशर कंटिन्यू रहे, मेंटेन रहे। नाइट क्रॉस एफ सिक्स के बाद आर एफ ई वन, व्हाइट प्लेड हियर रुक एफ ई वन। यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप वीडियो पुश करके मुझे बताइएगा कि ब्लैक का जो डार्क स्क्वायर बिशप है उसे डेवलप कैसे किया जाए। अनडेवलप बिशप है, अब कई लोग बताएंगे कि बिशप एफ एट, लेकिन मैं उसे रॉन्ग मानूंगा। नेटवर्क में सबसे टिपिकल होता है डार्क स्क्वायर बिशप को डेवलप करना, यहाँ पे बिशप डी एट करके इसे डेवलप करना होता है। बिशप डी एट ये ब्लैक की ओर से बेस्ट मूव है। व्हाइट ने रिप्लाई दिया था नाइट बी फोर, नाइट बी फोर के बाद बिशप ए फाइव, और आपका बिशप का मैनोवरिंग हो गया और ये बिशप अब पावरफुल हो गया। तो बिशप ए फाइव के बाद व्हाइट ने रिप्लाई दिया बिशप टेक्स सी फोर, अब आप इसे कैसे मारोगे? हाँ, आपको सोचना है कि क्या कैप्चर करना चाहिए। गेम में हुआ था, रियल गेम में बहुत ही ब्रिलियंट मूव किया था उसने, ब्लैक ने बिशप टेक्स बी फोर कैप्चर किया था और फिर बिशप पे प्रेशर तो कंटिन्यू है, तो व्हाइट ने बिशप बी थ्री कंपल्सरी मूव हो गई है। उसके बाद एक रिप्लाई ब्लैक ने दिया था किंग जी सेवन, ये एक वेटिंग मूव है। रुक ई थ्री
और क्वीन की एंट्री स्टॉप करने के मूव हैं। तो किंग जी से उनके बाद क्वीन h6 जल्दी नहीं आई, इसीलिए अटैक नहीं आया, इसलिए किंग जी से उनका वेटिंग मूव था। यहाँ पे काउंटर अटैक बिशप c5, ब्लैक ने रिप्लाई दिया बिशप c5 और वाइट ने रुक f3। रुक f3 थोड़ी बैड मूव लगी और बुक में लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कि ये मूव थोड़ी गलत है। रुक f3 के बाद ब्लैक ने रिप्लाई दिया b4 और Nd5। Nd5 के बाद Nc4 अटैक द क्वीन आफ्टर Qe2। ब्लैक रिप्लाइज f5 और ये पोजीशन ब्लैक की टोटली फेवर में है दोस्तों, कंप्लीटली ब्लैक के फेवर में। आप पॉन स्ट्रक्चर देख सकते हो, सेंट्रलाइज कितना स्ट्रांग है, नाइट स्ट्रांग जगह पे बैठा है e4 पे। f5 के बाद h3 व्हाइट ने रिप्लाई दिया, ब्लैक ने रुक f8। अब ये रुक की यहाँ जरूरत नहीं है, f5 में जरूरत है। किंग h2 व्हाइट प्लेड हियर, क्वीन a7। अब यहाँ पे एक छोटी सी थ्रेट है क्वीन a7 के बाद, और दूसरा फायदा है ओपन फाइल, ए फाइल में क्वीन ओपन फाइल में आता है। क्वीन a7 के बाद व्हाइट प्लेड रुक f1, ब्लैक ने रिप्लाई दिया h5, व्हाइट ने उसे स्टॉप करने के लिए g3 किया और ब्लैक रिप्लाई नाइट g5 f3 और h3 पे फॉर। रुक d3 ओनली मूव है, फिर ब्लैक रिप्लाइज e4, रुक d d1, उसके बाद नाइट f3 चेक। अब गेम कैसे क्रैश हो रही है आप देख सकते हो, किंग g2, रुक c c8, रुक c8 सॉरी। व्हाइट रिप्लाई दिया था रुक a1 ओपन फाइल लेने का प्लानिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ब्लैक को, क्वीन b7 से ये डायगोनल में कंटिन्यू रहेगा। पोजीशन देखो तो जैसे कोई हार्ड पजल आपको दे दी हो, ऐसे ही पोजीशन है यहाँ पे। बिशप c4 व्हाइट प्लेड हियर, रुक e5 मैनोवरिंग रुक का किया है और रुक से नाइट पे प्रेशर भी बढ़ाया है। नाइट f4 देखो सारे मूव फोर्स करवाते हैं ब्लैक। नाइट d4 फिर से फोर्क पॉन और क्वीन पे, और डिस्कवर्ड की थ्रेट भी है यहाँ पे चेक की। तो नाइट d4 के बाद क्वीन d1, रुक fe8 दूसरा रुक, यहाँ पे बैटरी बनाई है ब्लैक ने, और उसके बाद व्हाइट ने खेला था किंग h2, ब्लैक रिप्लाइज h4, सेक्रीफाइस ऑफ पॉन और यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक करने का प्लानिंग। h4 के बाद c3 व्हाइट ने अटैक किया काउंटर, h x g3 चेक पहले, f x g3 उसके बाद b x c3, और यहाँ पे b x c3 के बाद ब्लैक को बहुत ही बढ़िया मूव मिल रही है क्वीन b2 चेक। क्वीन b2 चेक के बाद नाइट e2 व्हाइट ने खेला था यहाँ पे, और नाइट f3 चेक, किंग h1, रुक h8 फिर से थ्रेट, रुक इंटू h3 चेकमेट चेक की। h4 रिप्लाई दिया था व्हाइट ने और यहाँ नाइट सेक्रीफाइस, नाइट टेक्स h4, g x h4 और rook x h4 चेक, किंग g2 और रुक g4 विन द गेम। तो दोस्तों यहाँ पे व्हाइट ने रिजाइन कर दिया था ये पोजीशन के बाद, टोटली गेम लॉस है। आप देख सकते हो पोजीशन में किंग के सारे स्क्वायर्स ब्लॉक है और किंग h1 या h2 पे जाएगा तो नाइट ऑलरेडी पिन रहेगा और फिर पॉन का प्रेशर आएगा, डबल पॉन सेंटर में काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। तो ये थी गेम, और मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा
नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे नाइट B3, जैसे कि हमने अभी देखा था नाइट F3 का रिप्लाई नेसडॉर्फ में, बिशप E3 के बाद जब हम E5 करते हैं तो नाइट के तीन स्क्वायर है, नाइट B3, नाइट E2 और नाइट F3। तो ये तीनों स्क्वायर में हम अलग अलग वीडियो में आपको मैं दिखा दूंगा कि क्या क्या होता है कौन सी पोजिशन में, उसकी गेम्स ही देख लेंगे। ओपनिंग तो आपने जो 15 मूव्स लिख लिए वो कंप्लीट कर देने हैं, दूसरे पेज पे आपको दूसरे 15 मूव या 14 मूव जो भी मैं बताऊंगा आपको लिखने हैं। अपनी नेसडॉर्फ वेरिएशन की एक परफेक्ट आप बुक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए मेरे सारे वीडियो कंटिन्यूज आपको देखने होंगे। तो जल्द ही मिलेंगे नेसडॉर्फ वेरिएशन के नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो ये था नेसडॉर्फ का पार्ट 1, और नेक्स्ट नेसडॉर्फ पार्ट 2 जल्द ही मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात।